तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट आ रही है, ठीक है, वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, 75% रिजल्ट देगा बीपीएससी, मतलब एक बार में आपको 1,70,000 पदों पर वैकेंसी कंप्लीट नहीं की जाएगी, ये क्लियर कर दिया गया है। और देख सकते हैं करीब 1,32,000 छात्रों को एक बार में नौकरी मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट के बाद पहले सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद दोस्तों दिसंबर जनवरी में नियुक्ति संभव है, ठीक है। नियुक्ति पत्र दोस्तों हमारा दिसंबर जनवरी में जा सकता है। हमने दोस्तों आपसे कहा था कि दीपावली तक क्या हमें नियुक्ति पत्र मिल सकता है। देखिए वो बात तब की थी जब हमारा रिजल्ट सितंबर में आ रहा था, अब दोस्तों हमारा रिजल्ट अक्टूबर में आ रहा है, ठीक है। सितंबर में आ रहा था तो हमने अक्टूबर का भैया माना कि चलिए नहीं मिल पाएगी, नवंबर में मिलेगी। अब क्या है, अक्टूबर में रिजल्ट आ रहा तो फिर नवंबर में आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी तो दिसंबर में मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी जो हमने बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। देखिए एक और अपडेट हम आपके सामने रखते हैं, अतुल सर का। दोस्तों पहले देख लेते हैं ट्विटर हैंडल, क्या कोई नया पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर कोई नया पोस्ट नहीं आया है, ठीक है। तो जल्दी दोस्तों जैसे ही पोस्ट आता है वो अपडेट हम आपको करेंगे। देखिए अभी हमने एक सवाल पूछा था आप लोगों से यूट्यूब पर, देख सकते हैं इसको रिफ्रेश कर देते हैं। पहले लगभग 2,500 बच्चों ने वोट किया है कि बीपीएससी टीआरई ओएमआर सीट में सुधार करना क्या सही है, ठीक है। 89% बच्चे कहते हैं कि ये एकदम गलत है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं 11% कि एकदम सही है। तो ये मान के दोस्तों हम लोग चल सकते हैं कि 100 में से 10 से 11 बच्चे ऐसे हैं, 100 में से 10 से 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओएमआर भरते समय कोई या तो गलती की है और उनको लगता है कि भैया एक मौका दे रहे हैं तो सही है। लेकिन दोस्तों 90%, ठीक है, ऐसे छात्र हैं तकरीबन इसमें, या 89% हम कह सकते हैं कि जिनको लगता है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले सभी बच्चों को ये नौकरी नहीं दे रहे। तो एक बात याद रखिएगा कि जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी, ठीक है ना, वो दोस्तों हाई रहने वाली, थोड़ी सी हाई रहेगी। जैसे कि हमने आपसे बोला था कि कम नंबर पाने वाले छात्र नौकरी पाएंगे, डेफिनेटली पाएंगे दोस्तों। लेकिन अब देखिए 60,000 पदों पर आपको नौकरी मिलेगी, समझ लीजिए 75% का मतलब क्या है। अगर हम 80,000 टोटल सीटें मान रहे हैं लगभग लगभग, देखिए 79,943 है, देखिए हमें एक एक सीट का भैया आंकड़ा पता है, लेकिन 80,000 का दोस्तों जब हम 75% निकाल देते हैं, 2 0 तो 2 0 कट गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपल था, इसका मल्टीप्लाई करिए, 8 5 40, 8 7 56, 4 60, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 2 0 ही है, ये हो गया हमारा 60,000। तो मतलब फर्स्ट राउंड में तकरीबन 60,000 पदों पर नौकरी कंप्लीट की जाएगी, 60,000 बच्चों को पहले बार में नौकरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों 20,000 बच्चों को जो नौकरी है वो सेकेंड राउंड में दी जाएगी। अब सिंपल सी बात है, देखिए जब 60,000 बच्चों को पहले नौकरी मिलेगी तो जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा होंगे उनको पहले नौकरी, और जिन बच्चों के नंबर कम होंगे उनको बाद में नौकरी, नौकरी सबको मिलेगी। बिहार शिक्षक भर्ती में आपत्ति दर्ज करने पर अब 500 रुपये का शुल्क देना होगा, 18 से 20 सितंबर के बीच कर सकते हैं अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है तो 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, और 18 से 20 सितंबर के बीच आप आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। तो जो भी दोस्तों अपडेट रहे उस पर आप लोग को नज़र बनाए रखनी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। बीएड रिजल्ट पर फिलहाल दोस्तों रोक लगा दी गई है, बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पीआरटी में दोस्तों सिर्फ डीएलएड के बच्चों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये भी बात क्लियर है। उसके बाद दोस्तों सीटों का जो आंकड़ा है वो तो देखेंगे, लेकिन आपको बता दें बीएड छात्रों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी इस पर भी फैसला आ सकता है। अगर बीएड छात्रों की जीत होती है तो फिर दोस्तों जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है पीआरटी में, उसमें डीएलएड और बीएड सभी बच्चों को मौका मिलेगा। एक बात और ध्यान रखिए, हमने दोस्तों बात की बीपीएससी, ठीक है, TRE 2.0, इसका मतलब है दोस्तों अब जो हमारी सेकंड वैकेंसी आ रही है जिसमें 1 लाख पद हो सकते हैं, 1 लाख बड़ी वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों इसमें जो 6 से लेकर 8 तक में लगभग 52,000 पदों पर वैकेंसी है, 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एक बात आपको बता दें, रिजल्ट देना अलग बात है, आवेदन लेना अलग बात है। जो लास्ट वैकेंसी है दोस्तों उसमें इनको रिजल्ट देना है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती या जो भी 1,70,000 में, लेकिन दोस्तों इसमें आवेदन लेना है। आवेदन लेंगे तो सिंपल सी बात है आपके जेब से कुछ ना कुछ पैसा जाएगा, हो सकता है 750 रुपये ही फीस लगा दी जाए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपसे फीस लिया जाएगा। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है,
बाकी दोस्त देख सकते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक में जो आपकी अर्हता है, स्नातक होना चाहिए, सीटेट या टीईटी और बीएड या समकक्ष। समकक्ष में दोस्त हमारा डीएलएड रहेगा, याद रखिए डीएलएड बीटीसी छात्रों को मौका मिलेगा, इसको लेकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो ये दोस्तों जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ठीक है। और आपको बता दें सीटेट का रिजल्ट आज 18 तारीख है, 18 सितंबर, मतलब दोस्तों आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का आज लास्ट दिन है, अंतिम मौका है। आज के बाद आप आपत्ति दर्ज नहीं करा पाएंगे। आपत्ति दर्ज करना 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा एक क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन पर आपत्ति करने के लिए 10,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों शिक्षक भर्ती में जो हमारी सीटें थी उसको भी जरा हम देख लेते हैं कि भैया क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या सीटें हैं, ठीक है। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का मतलब डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। यारी दोस्तों जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, अतुल सर का एक भैया जो ट्विटर पर पोस्ट है उसके वजह से बवाल मच गया। इन्होंने ये बोल दिया कि ओएमआर में कुछ संशोधन किया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, और दोस्तों बच्चे एकदम भड़क गए। आप देख सकते हैं दोस्तों नाराजगी बच्चों में, कि लगभग लगभग 89% बच्चों का कहना है कि ये एकदम गलत काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2,600 बच्चे वोट कर दिए, 100 बच्चों को वोट बढ़ा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे का दोस्त यहाँ कमेंट आता है कि गलती सभी से हो जाती है, गलती को माफ करना यही मानवता का धर्म है, ठीक है। लेकिन देखिए ओएमआर सीट एक अलग चीज, ये गलती अगर आपसे सीटेट में हुई होती, बिहार टेट में हुई होती तो एक अलग बात थी, ठीक है ना। आप सीटेट या टेट पास हुए कैंडिडेट हैं, तो जो बच्चे टीटी पास है मतलब उनको ओएमआर अच्छे से भरना आता है, ठीक है ना। ये दोस्तों देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ, एक बात याद रखिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों रहने वाला, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोस्तों आपकी फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ वो ज्यादा जाएगी, सिंपल सी बात है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ज्यादा क्यों जाएगी ये भी जानना जरूरी है। उसका दोस्तों रीजन ये है कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ज्यादा इसलिए जाएगी क्योंकि फर्स्ट राउंड में मात्र 60,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी, 20,000 बच्चों को सीट होल्ड की जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें जो 75% का रूल लागू होगा वो हर एक कैटेगरी से होगा, ठीक है। यहाँ पर रुकिए दोस्तों हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल सीटें लगभग 16,000 मान लीजिए, 16,000 मानिए, ठीक है, ये 16,040 इसको भी 16 मान लेते हैं। 16,000 का दोस्तों जो 75% आएगा वो तकरीबन 12,000 आएगा, मतलब 4,000 सीटें इसमें होल्ड हो जाएंगी इसमें, ठीक है। इसमें 4,000 सीटें, इसमें भी 4,000 सीटें, 4,000 में इसका 1,000 सीटें होल्ड होंगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों हर एक कैटेगरी से कुछ ना कुछ सीटें होल्ड की जाएंगी और टोटल ये सीटें निकल कर लगभग लगभग 20,000 सीटें आ जाएंगी। सोचिए दोस्तों 20,000 बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, अगर उन बच्चों को भी नौकरी मिलती तो उनको एक महीने की सैलरी कितनी मिलती, 20,000 बच्चों को जिनको नहीं मिलेगी 40,000 रुपये। और दोस्तों जो हमारी रहेगी सैलरी, ठीक है, 6 to 8 में यहाँ पर लगभग 45,000। तो हर एक सैलरी पर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर कितना पैसा मिल रहा है, किस हिसाब से आपका नुकसान हो रहा है, तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति पत्र की जो बात है ना वो धीरे धीरे दोस्तों शिफ्ट कहाँ किया जा रहा है, समझिए इन सबको पूरी बातें, ठीक है। बच्चों को क्यों डाउट लग रहा है कि कुछ खेला हो सकता है, देखिए सभी बच्चों ने मेहनत की है, पेपर हार्ड आया था नो डाउट, किसी को संदेह है क्या यहाँ पर कि पेपर कठिन नहीं आया था। और दोस्त जो हमारा लैंग्वेज का पेपर हुआ था या पेपर 1 आप जिसको कह सकते हैं वो बिल्कुल हलवा आया था, वो आपको आसान लग रहा था ना, जो पेपर आसान होता है वो आसान लगता है, जो कठिन होता है वो कठिन लगता है। तो हर एक बात को आपको ध्यान रखना है कि भैया पेपर कठिन था तो सिंपल सी बात है कट ऑफ कम ही जाना चाहिए। अदर स्टेट वाले बच्चे सिर्फ जनरल की सीटों पर फाइट करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब अनारक्षित सीटें, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। तो जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बीपीएससी चेयरमैन सर का जल्द ही दोस्तों कुछ बड़ा जवाब आ सकता है, आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखेंगे दोस्तों क्या हो सकता है। शिक्षक भर्ती खेला, जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी, जी हाँ दोस्तों एक भी सीट पर अगर घोटाला हो गया तो एक मेहनत करने वाले छात्र की नौकरी उसके हाथ से चली जाएगी। एक बात और आपको बता दें, आपके मन में एक सवाल और होगा कि सर हमारे 50 नंबर आ रहे, मेरे दोस्त के भी 50 नंबर आ रहे, और हम दोनों की कैटेगरी भी भैया मान लेते ईडब्ल्यूएस है या दोस्तों आपकी यूआर जनरल कैटेगरी है, तो नौकरी किसको मिलेगी अगर 50 नंबर की ही कट ऑफ जाएगी। तो देखिए पहले प्राथमिकता उस बच्चों को मिलेगी जिसकी एज ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं आपके दोस्त की एज 28 साल है और आपकी 24, तो इस केस में 28 साल वाले छात्र को नौकरी मिल जाएगी।
अब दोस्तों अगली कंडीशन ये भी हो सकती है कि सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बिल्कुल सेम टू सेम। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो हम देखेंगे। डीएलएड यूपी डीएलएड एडमिशन में जो दोस्तों ये नियम लगाते हैं उसमें ये लगा देते हैं बाद में अल्फाबेट से आपका नाम कैसे शुरू होता है। मान लेते हैं अगर आपका नाम ए से तो पहले आपको नौकरी, बी से तो आपको बाद में, या दोस्तों एक बच्चे का नाम सी से और एक बच्चे का नाम डी से, किसको मिलेगी? सी वाले को। इस तरह हो सकता है यूपी डीएलएड एडमिशन का हम ये बात बता रहे हैं। बाकी नौकरी में एज वाला चलता है, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। तो दीपावली तक दोस्तों नियुक्ति पत्र अब नहीं मिल पाएगा, आपका जो सवाल था ठीक है मिल सकता था अगर 2 सितंबर में रिजल्ट हमारा जारी हो जाता, ठीक है। बाकी दोस्तों बीएड के लिए सीट होल्ड नहीं की जा रही, ये ओवरऑल सीट होल्ड हो रही है। एक बात समझ लीजिए, बीएड के छात्र ये कंफ्यूजन में ना रहे कि उनके लिए सीट होल्ड हो रही है, ये ओवरऑल सीटें होल्ड हो रही हैं। 30 से 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और 2.0 के लिए तैयार रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।